नमस्कार। हम जब छोटे होते हैं, बचपन में माँ बाप हमें मदद करते हैं बड़ा होने में, और धीरे धीरे हम बड़े हो जाते हैं, तो फिर एक बार ऐसा समय आता है कि हम कहते हैं हम हमारा काम कर लेंगे, हमें मदद की ज़रूरत नहीं है। कहीं हम भूल जाते हैं कि जहाँ मदद की ज़रूरत है वहाँ मदद की है ज़रूरत, और मांगना आना चाहिए कि मुझे मदद की ज़रूरत है। वो अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं मेरा काम खुद कर लूँगा। तो एक कहानी है, बहुत सीखने जैसी कहानी है। एक कंपनी में नौकरी के लिए अर्जी दी गई, क्योंकि वो कंपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, और चेतन लड़का, यंग, ऊंचा पूरा, हट्टा कट्टा, उसने भी उस नौकरी के लिए अर्जी दी और उसे इंटरव्यू के लिए बुला दिया गया। तब इंटरव्यू में उसने देखा कि बहुत सारे लोग बैठे हैं और एक के बाद सबको अंदर बुलाया जा रहा है इंटरव्यू लेने, और वो देखता था कि ये लोग जब बाहर निकलते थे तब थके हुए, बिल्कुल हताश से निकलते थे, जिसका मतलब उन्हें नौकरी नहीं मिली, कुली की नौकरी थी और नहीं मिली। आखिर उसका नंबर आया, उसका नाम बुलाया गया, अंदर गया, चार लोग बैठे थे, उन सबको कहा नमस्कार आप सबको मेरा, उन्होंने भी कहा बहुत अच्छे। फिर उनमें से एक आदमी ने कहा कि हमें एक काम है, एक कबाट वहाँ बीच में ही पड़ा, उन्होंने कहा कि इस कबाट को हटाना है, तो आप ये कर पाओगे? तो आदमी कबाट के पास गया, कबाट को देखा, इतना भारी था, इतना चौड़ा सा कबाट, ऊंचा चौड़ा कबाट, और बड़ा भारी था वो कबाट, संभव ही नहीं है कि कोई आदमी उसे हिला सके। उसने देखा पास जाके, फिर उसने कहा साहब एक बात बताऊं, ये इतना भारी है कि मुझे मदद की ज़रूरत पड़ेगी, मैं लोगों को पूछूंगा कोई मदद करने आ जाए तो उसकी मदद से मैं इस कबाट को हटा दूंगा। उन आदमियों ने कहा आपको नौकरी पे रख लिया गया है। आश्चर्य हुआ, क्या हुआ था? पहले जो भी लोग आते थे वो लोग अपने आप कबाट को हिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जबकि पता है मेरे में उतनी शक्ति नहीं है, फिर भी अपने आप हिला रहे हैं, हाथ भी तोड़ सकते हैं, कम गर्दन भी मोड़ सकते हैं, और फिर हताश होकर निकल जाते थे, बोलते ये मेरे से नहीं होगा। आपसे नहीं होगा, मगर आप मदद मांग सकते हो, सब मिलकर और काम कर सकते हैं, ये सोच उनमें नहीं है। मैं करूँगा, मेरे को किसी मदद की ज़रूरत नहीं, मगर कर नहीं पा रहा है। ये जो हमारी सोच है, वहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि जहाँ मांगना है वहाँ मांगना आना चाहिए बड़े प्यार से, और सब मिलकर जब काम करते हैं तो बड़े बड़े काम होते हैं। अकेला काम करेगा तो छोटे छोटे ही काम होंगे ना। इसलिए ये सीखने जैसी बात है कि मांगने से कभी अपने आप को हल्का महसूस मत करो कि मैं नहीं कर सकता, मैं कैसे मांग सकता हूँ। ज़रूर मांगो, क्योंकि वो काम करना है, काम ज़्यादा ज़रूरी है जीवन में। कार्य को प्राथमिकता देना चाहिए, खुद कोशिश करो, खुद पूरा मन लगा के काम करो। आप में इतनी ताकत नहीं है शायद, या आप शायद कभी बीमार पड़े हों, बहुत सारे कारण होते हैं कि आपको नहीं कर पाए उस समय। अब काम तो चलना ही चाहिए ना, काम तो आगे ही बढ़ना चाहिए, तो ज़रूरी है कि लोगों से मदद मांगी जाए। स्पिरिचुअलिटी में, जहाँ हम कहते हैं अध्यात्मवाद, जहाँ इंसान को ईश्वर को समझने का प्रयत्न करना है, वहाँ सबसे पहला काम देते हैं कि हाथ में भिक्षा पात्र देते हैं कि ये लो भिक्षा जाके मांगो, भीख मांगो। मांगना आसान नहीं है, मांगना लगता है कि मैं नीचा हो गया, मगर ये नहीं समझना है, अपने आप को नीचा ही रखो, क्योंकि सबकी मदद से ही संसार चलता है। आपको एक रोटी भी खानी है तो कितनों की मदद से वो रोटी मिलती है, कहीं कोई उगाता है गेहूँ, कहीं भेजता है, कहीं क्या करता है, आप अपने अकेले तो जीवन जी ही नहीं सकते। इसलिए मांगना या किसी को कहना कि मुझे मदद की ज़रूरत है, ये कमतर की बात नहीं है। कोई मांगने वाला है तो कोई देने वाला है, दोनों की उतनी ही ज़रूरत है। बहुत सारे काम हम अकेले कर सकते हैं, बहुत सारे काम हमें मिलकर भी करने हैं, तो मिलकर करने में मदद मांगना गलत बात नहीं है, याद रखें। ठीक है, नमस्कार।